लेकिन मैकडोनल्ड का असली प्रोडक्ट बर्गर नहीं है, उसका प्रोडक्ट है आउटलेट सेल करना। तीन ऐसी बातें जो कोई भी ब्रांड अपने आप को 0 to 1000 स्टोर, 0 to 10,000 स्टोर तक पहुंचा सकता है, इसके पीछे सिर्फ तीन बातें ध्यान रखो। वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, वो आपको लोकेशन तो दे सकते हैं, वो आपके लिए मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिजनेस को स्टार्ट करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे मल्टीपल ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होती है। और आज तक प्रॉब्लम ये था कि उन प्रोडक्ट्स को वो स्केल नहीं कर पाते थे। मतलब वो अगर फेमस होते थे, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में फेमस होते थे। लेकिन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आई फ्रेंचाइजी, और उस फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट की वजह से वो प्रोडक्ट मल्टीपल जगह तक पहुंचने लगा। मतलब समझो कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो दिल्ली में बहुत फेमस है, तो वो पहले तो सिर्फ दिल्ली में ही मिलती थी, लेकिन एक टाइम के बाद जब फ्रेंचाइजी इंक्लूड हुआ, फ्रेंचाइजी मॉडल इंक्लूड हुआ, मार्केट में आने लगा, तो उसके बाद वही सेम चीज़ आपको पुणे में मिलने लगी, आपको कोलकाता में मिलने लगी, ऑल ओवर इंडिया में मिलने लगी। इन शॉर्ट, बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज है, बहुत सारे ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स है हमारे इंडिया के, जो इंडिया के बाहर भी है। बाहर भी आज आपको वड़ा पाव मिलता है, जो कि पुणे का फेमस है, जहां से मैं हूं। तो दोस्तों, यही फ्रेंचाइजी मॉडल एक्चुअल में बनता कैसे है, और इसके पीछे क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है जिसको फोकस करना पड़ता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क कैसे होता है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे इसको प्लान किया जाता है, और कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस को एक स्केलेबल मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ है आशीष भाई। आशीष भाई ऐसे मल्टीपल बिजनेस को हेल्प करते हैं स्केल करने के लिए, जो कि ट्रेडिशनली चल रहे हैं, उनका कोई ना कोई यूएसपी है, और ऐसे बिजनेसेस को वो मल्टीपल जगह पर फ्रेंचाइज आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आशीष भाई, थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मंगेश भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है दिल्ली में। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग समझेंगे कि ये सब स्टेप, ये सब प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सो आशीष भाई, हमें बताइए कि ये सब प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? देखो, फ्रेंचाइजिंग में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या है कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उस बिजनेस, मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, लोग उस बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, आपके पास उस बिजनेस के लिए ग्राहक है, आपके इलाके में ग्राहक है, आप पुणे से हैं, पुणे में आपका बिजनेस बहुत वाइडली पसंद किया जा रहा है, राइट राइट। तो क्या इस बात के चांसेस हैं कि पुणे के बाहर भी, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी लोग आपके बिजनेस को पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तो क्यों नहीं कि आप भी वहां पर अपनी ब्रांचेज ओपन करें। जब आप वहां पर अपनी ब्रांचेज ओपन करेंगे तो लोगों को वही टेस्ट, वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट दे पाएंगे। राइट राइट। लेकिन बिजनेस के लिए, बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो मल्टीपल ब्रांचेज ओपन कर सके। राइट। तो ऐसे में वो सहारा लेते हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल का। राइट। जहां पर कि वो एक प्रॉपर फ्रेंचाइजी मॉडल बनाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारा बिजनेस अपने एरिया में अडॉप्ट कर लीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे, ब्रांड नेम के साथ साथ टेक्निकल नो हाउ, हर चीज हम आपको बताएंगे, ये बिजनेस किया कैसे जाता है, किस तरीके से आप भी सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम प्रोडक्ट अपने जगह पर अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो ये चीज फ्रेंचाइजिंग होती है, जब कोई और आपके ब्रांड को, आपके टेक्नोलॉजी के, आपके नो हाउ को लेता है, ये होता है फ्रेंचाइजिंग। तो हम लोग इसी चीज को प्रमोट करते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूंगा, मैकडोनल्ड का नाम आपने सुना है? जी जी जी। मैकडोनल्ड का आपको वही पूछने वाला था कि ये फ्रेंचाइजी का मॉडल शुरू कहां से हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं बोलता हूँ कि फ्रेंचाइजी का मॉडल शुरू कहां से हुआ है, तो बहुत पुरानी कहानी है। ये बाटर सिस्टम जब चला करता था, उस समय भी फ्रेंचाइजिंग का मॉडल था, लेकिन नाम इसका फ्रेंचाइजी नहीं होकर कुछ और था। मैं कोई कहानी सुनाऊंगा बीच में, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, मैकडोनल्ड आप जानते हैं? जी जी। मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअली तो लोग बर्गर बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। नहीं, मैकडोनल्ड की अगर हम बात करें, उसी आउटलेट की बात करें, तो मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट लोग बोलते हैं बर्गर है। राइट। लेकिन मैकडोनल्ड का असली प्रोडक्ट बर्गर नहीं है, उसका प्रोडक्ट है आउटलेट सेल करना। राइट राइट। मैकडोनल्ड क्या करता है कि अपनी यूएसपी अपने आउटलेट्स को सेल करता है और उस आउटलेट्स पर बर्गर बिकते हैं। जब आप मैकडोनल्ड कंपनी में जाएंगे तो वहां पर आपको बर्गर नहीं मिलेगा। Okay. वहां पर आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप उनके आउटलेट ओपन कर सकते हैं। सो द रियल प्रोडक्ट इज आउटलेट। मतलब अभी जो मैकडोनल्ड्स के हम लोग को आउटलेट्स दिखते हैं मार्केट में, उसमें से मैक्सिमम जो आउटलेट्स है वो मैकडोनल्ड्स ओन्ड है, फ्रेंचाइजीज हैं सर वो सारे। मोस्टली मैकडोनल्ड्स ओन्ड है, नहीं जरूरी नहीं है, वारंटेड हो सकती है कि थर्ड पार्टी की
प्रॉपर्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी की उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है. जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है, मुझे कोई बिजनेस करना है, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जगह है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा बिजनेस करूं. ओके, ठीक है. अब बिजनेस की नो हाउ इतना आसान नहीं है. आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो फेलियर के चांसेस हो सकता है, आप फेल हो जाए. लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस लो सक्सेसफुली चल रहा है, जैसे कि अगर आप सैमसंग के मोबाइल बेचेंगे, चांसेस है ग्राहक आए. राइट. लेकिन अब वही अगर आप अपना मोबाइल बना लो और उसको बेचना चालू करो तो हो सकता है हो जाएगा, ग्राहक आए भी ना आए. right, तो right, क्यों right. नहीं हम किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाएं जो सक्सेसफुल है मार्केट में. सैमसंग ही सक्सेसफुल, तो आप उसी के फ्रेंचाइजी ले लो, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उसका काम करो. इन्वेस्टमेंट आपने लगानी है, प्रॉपर्टी आपने लगानी है, मेहनत आपने करनी है, लेकिन करना क्या है, आपको किसी और ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाना है. प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम आएगा लेकिन ग्राहक ज्यादा आएंगे. ओके. जो लोग बिजनेस समझते हैं ना, वो लोग क्या समझते हैं कि आप 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचो, मतलब एक प्रोडक्ट बेच के 100 रुपए कमाओ, या फिर 20 प्रोडक्ट बेच के 10 रुपए पर प्रोडक्ट कमाओ, तो आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो 200 रुपए हो गई ना 100 की बजाय. करेक्ट करेक्ट. तो जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हो सकता है कि पर प्रोडक्ट आप कम कमाओगे लेकिन आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर लोगे. और इसकी वजह से होगा क्या कि आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और साथ साथ में आपको ग्राहक को समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं बेच के आ रहा हूं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि पहले से पता है कि मैं क्या बेच रहा हूं. आई हैव द प्रोडक्ट, पीपल नो इट. राइट. तो अभी हम लोग समझते हैं कि एक जीरो से लेके हम लोग एक ऐसा बिजनेस पकड़ेंगे कि जो दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, आप कोई भी एक बिजनेस बता दीजिए मुझे, तो वो बिजनेस दिल्ली में है अभी फिलहाल, उस ओनर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे इसका फ्रेंचाइजी कैसे बनाना है या फिर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए. तो उस बिजनेस को हम लोग मल्टीपल सिटीज में ओपन करना चाहते हैं, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल का जो स्टार्ट है वो होता कहां से है, जीरो से लेके हमको हर एक. बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा. हर कोई अपने बिजनेस का मास्टर होता है. हर एक बिजनेस में कोई ना कोई यूएसपी तो होती है. बिल्कुल, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई यूएसपी होती है. जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है, तब तक हम उस ताकत का 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे. और यही ताकत उसे बतानी है और यही ताकत लोगों तक पहुंचानी है. जैसे मैं एक ब्रांड का नाम लूंगा, जेबी कचौड़ी वाला. ठीक है, इस ब्रांड का नाम लेने से पहले आप कोई दिल्ली आता है अगर और वो खाने पीने का शौकीन है अगर, तो खाने पीने का शौकीन है तो सबसे बढ़िया खाना पीना उसे कहाँ मिलता है, दिल्ली 6 में, पुरानी दिल्ली. ओके, पुरानी दिल्ली की चाट वर्ल्ड वाइड फेमस है, नॉट इन इंडिया, पूरे विश्व में फेमस है पुरानी दिल्ली की चाट. ओके, पराठे वाली गली पूरी वर्ल्ड में फेमस है. तो वहां पर आज भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिनके आप कचौड़ी खाओगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, जिनके आप भल्ले पापड़ी खाओगे, दौलत की चाट खाओगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अगर कंज्यूम करोगे, जो आप यूज करोगे, तो आप बोलोगे यार ये पुणे में क्यों नहीं मिलती है. आप पुणे से आए हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पुणे में क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, मिल सकती है. बस समझना क्या है कि जो जेबी कचौड़ी वाले हैं, ये जो कचौड़ी बना रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं. कचौड़ी तो पुणे में भी मिलती है, सब जगह मिलती है कचौड़ी, लेकिन वो जेबी कचौड़ी वाले के पास खास क्या है. सबसे पहला बात काम वही करना है जो उसके पास खास है, उस खास को लोगों तक पहुंचाना है. और लोगों तक पहुंचाने से पहले उनका एक एसओपी, मतलब कि उनकी एक, मैं सिंपल सी बात कहूंगा, उनकी एक किताब लिख देनी है कि भाई हमारी कचौड़ी में ये प्रोडक्ट है, हमारी सब्जी में ये है, हमारी चटनी में ये है. इस तरह की चटनी बनती है. मेरा एक छोटा सा डाउट. हाँ जी. कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि मेरा एकाद ऐसा यूएसपी है. हाँ, मेरा ऐसा एकाद शॉप है जहाँ पे मैं कोई ऐसी खाने की चीज बनाता हूँ, समझो कि कचौड़ी बनाता हूँ, और मेरी कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है. हाँ जी. ठीक है, तो मैं मेरा जो यूएसपी है वो किसी के साथ शेयर करने से पहले 10 बारी सोचूंगा, बिकॉज वो मेरे साथ ही मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है. बिल्कुल बन जाएगा. कल उसने मेरा फ्रेंचाइजी ले लिया और परसों मेरा फ्रेंचाइजी बंद करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये एक डर भी उस उन ओनर्स के दिमाग में हमेशा रहेगा. 100% तो वो स्टिल ऐसा क्यों करते हैं. अच्छा, आपने सुना है कि गुरु अपने चेले को सब कुछ सिखा देता है लेकिन एक विद्या ऐसी होती है जो अपने पास रखता है, ये सब लोग जानते होंगे इस बात को. राइट राइट. तो ऐसे ही जब आप इन कचौड़ी वाले के पास, किसी छोले भटूरे वाले के पास, एक कोई भी प्रोडक्ट के पास जाओगे, वो आपको बेसिक सारी चीजें बता देगा, लेकिन उसमें जो मसाला डलता है वो मसाला कहाँ से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा. वो मसाले की प्रोडक्शन जेबी कचौड़ी वाले या जो भी ऐसे बिजनेसमैन है, अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट रन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका फ्रेंचाइजी हो सकता है, तो उसका जो सबसे मेन चीज है वो आप अपने पास प्रोडक्शन करो और उसको ये बताओ कि इस मसाले को यूज कैसे करना है. तो सेम काम ये करते हैं, पूरी यूएसपी बनाते हैं,
मसाला अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से कचौड़ी बनानी है, कैसे सब्जी बनानी है, कैसे चटनी बनानी है, वो सब कुछ ट्रेंड करते हैं, शेफ को ट्रेंड करते हैं, प्रोसेस सेल करने के क्या है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है ग्राहकों के साथ, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग बहुत बड़ी चीज हो गई आज के दिन, करेक्ट, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है और उसके बाद अपना आउटफिट कैसे रखना है। तो आपको क्या लगेगा, ये तो बड़ा हाइजीनिक है, ब्रांड है, क्वालिटी मेंटेन कर रहा है और उसके पास आप बार बार जाओगे, तो किसी भी कस्टमर को बार बार लाने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो स्टैंडर्ड इन फ्रेंचाइजीज को मेंटेन करना पड़ता है। और फिर ये जो जितने आउटलेट्स होते हैं वहां पर भी सेम चीज सिखाते हैं। अगर किसी को भी अपनी फ्रेंचाइजीज बनानी है तो यहाँ पर तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा, तीन ऐसी बातें जो कोई भी ब्रांड अपने आप को 0 to 1000 स्टोर, 0 to 10,000 स्टोर तक पहुंचा सकता है, इसके पीछे सिर्फ तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, तो आपका जो ब्रांड है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब जो काम आप कर रहे हो क्या वही काम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर बाकी लोग कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो ठीक है, जैसे कचौड़ी वाले का एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि वही कचौड़ी आपने बनानी सिखा दी, बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है, लेकिन अगर हो सकता है कि आपके हाथ में ऐसी कोई कला है कि आप ही केवल उस कचौड़ी को बना सकते हो, आपका एम्प्लॉई भी उस कचौड़ी को नहीं बना सकता, देन आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ, कि ऐसे मतलब अभी तो हम लोग फ्रेंचाइजी से खाने वाने की चीजें में ही देखते हैं, बट क्या ये फ्रेंचाइजी मॉडल दूसरी चीजों में भी वर्कआउट होता है? सर सारी कैटेगरीज में है, अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी, बताओ आज सैकड़ों क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा है, फूड एंड बेवरेजेस में दे रहा है, स्कूलिंग को दे रहा है, कोचिंग सेंटर्स को दे रहा है, ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की ऑटोमोबाइल सेंटर, टू व्हीलर सर्विस सेंटर, फोर व्हीलर सर्विस सेंटर उसकी फ्रेंचाइजीज है, सर्विसेज बिजनेस की, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कौन बिलीव करेगा? ये सब इसका एक एक एग्जांपल बताओगे आप? बिल्कुल, ये कैसे बताऊंगा होता है? मैं बिल्कुल बताऊंगा, जैसे कि सावी प्रोफेशनल एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। अब हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बन सकता, करेक्ट, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, जीएसटी, कंपनी फॉर्मेशन, इनकी सारी सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज कोई भी दे सकता है सीख कर कि किस तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं। तो सावी प्रोफेशनल क्या करता है, लोगों को ट्रेन करता है और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है कि आपने सावी प्रोफेशनल की फ्रेंचाइजी अपने एरिया में ले ली, आपने एक आउटलेट ओपन कर लिया सावी प्रोफेशनल का बोर्ड लगाकर, क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, आपको पता है इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या किए, अपलोड कर दिए सिस्टम के ऊपर। यहां पर बैकएंड में इनके पास 20 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का टीम है, वो टीम काम करती है, काम उसे नहीं करना, उसे केवल सोर्सिंग करनी है बिजनेस की और यहां पर बिजनेस को शेयर कर देना है और इनके पास एक अच्छा खासा इनकम आ जाता है लोगों के बीच। ये भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बोलेंगे, एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये भी काम कर रहे होंगे, एक प्रेस्टीजियस जॉब बिना सीए बने कर सकते हैं। और यही सेम चीज स्कूल में कैसे वर्कआउट होती है? स्कूलिंग की तो बहुत इजी है, डीपीएस की कितनी ब्रांचेज है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेज हैं, जगह जगह पर हैं, तो ये फ्रेंचाइजिंग की तो है, जयपुरिया स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो ये स्कूल वाले के जो मिनिमम बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है कि 5 acres की लैंड चाहिए इन रूरल एरिया और 2 acres की लैंड चाहिए इन अर्बन एरिया, वो जो आपकी क्राइटेरिया वो मेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कितने कमरों का स्कूल चाहिए, क्या प्लेग्राउंड की आपको चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग स्टेट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, एक सेंटर की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जिस स्टेट में आप स्कूल खोल रहे हैं स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहां की रिक्वायरमेंट आपको मेट करनी है, वो रिक्वायरमेंट मेट करेंगे तो अब आपने स्कूल ओपन करना है। मैं अगर आशीष स्कूल ओपन कर लूं, बोलेगा भाई पता नहीं कहां का ब्रांड है, अपने बच्चों को तो मैं नहीं भेजूंगा जिस स्कूल में, करेक्ट, लेकिन अगर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल ओपन करूं, बोलेगा ये आया बढ़िया ब्रांड, यहाँ पर सारे मतलब ब्रांड के साथ एक लेगेसी आना चाहिए, लेगेसी आना चाहिए। फ्रेंचाइजी का प्लस पॉइंट यही है कि आप एक लेगेसी, आपको एक लेगेसी मिलती है। बिल्कुल 100%। सर आप आज कपड़े पहनते हो सर, ठीक है ना, तो आप लोगों से मिलते जुलते हो, तो क्या पहला थॉट क्या रहता है, मैं लिवाइस का शर्ट लूं, मैं एरो की टी शर्ट लूं, होता है ना। तो ये एरो के जितने स्टोर है वो है क्या, जो लिवाइस के मल्टीपल स्टोर है वो है क्या, वो फ्रेंचाइजिंग के तो है। लिवाइस एक जगह बैठ कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उन्होंने एक एसओपी मेंटेन कर दी है कि हम हर जगह इस तरीके से सेल्स होगी। आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको सेम डिजाइन मिलेगा, करेक्ट, सेम चीजें मिलेंगी, राइट, सेम प्राइसिंग मिलेगा। इसको बोलते हैं एसओपी, सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसीजर।
एक जैसी चीज हर जगह मिलनी। मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पेंटालूंस में गया, वहां पर जाकर शर्ट लेकर आ गया, घर आया वो शर्ट मुझे पसंद नहीं आई। अब हुआ क्या था कि मैं घूमने गया था नागपुर, वहां से परचेज कर ली थी मैंने शर्ट। अब एक 2,000 रुपए की शर्ट के लिए 10,000-12,000 रुपए खर्च करके वापस नागपुर जाऊं चेंज कराने के लिए, नॉट पॉसिबल। लेकिन आपके पास वहां का बिल है, प्रोडक्ट है, आप दिल्ली के आउटलेट पे आए, वहां पर चेंज करा लो। तो फ्रेंचाइजी की वजह से आप देखिए कितनी चीजें हो गई, और इसी की वजह से कस्टमर का उस पर्टिकुलर ब्रांड पे भरोसा भी हो गया। जैसे कि आजकल होता ना कि अगर हम लोग कोई चीज अमेज़न से खरीदते हैं तो हम लोग बेफिक्र होकर खरीदते हैं, बिल्कुल, बिकॉज उस ब्रांड पे हमें भरोसा, ब्रांड पे भरोसा है। हमें अगर कोई चीज हम लोग दूसरे किसी वेबसाइट से खरीदते हैं तो हम लोग 10 बार सोचते हैं। मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ये भरोसा क्रिएट करना, वही फ्रेंचाइजिंग का जो मेन मैं आपको बातें बता रहा था वो यही है कि आपको डुप्लीकेसी लेकर आनी है अपने प्रोडक्ट में, उसके बाद आपके बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट और प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर मैं ही अपने बिजनेस से नहीं कमा रहा हूं तो क्या मेरी फ्रेंचाइजी कमाएंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर लोगों को मेरे बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है तो जो फ्रेंचाइजीज लेंगे उस पे ट्रस्ट कहां से आएगा? वो आपको देना है। और तीसरा एसओपी जो मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर हो कि आप दिल्ली में भी काम कर रहे हैं तो तरीका वही है, नागपुर में भी काम कर रहे हैं तरीका वही है, बिहार एसओपी को हम लोग थोड़ा और डिग डाउन करेंगे। बिल्कुल जी, जैसे कि मैं सिंपल सी बात करता हूं कि मैं वापस कचौड़ी वाले पे आ जाता हूं, तो कचौड़ी वालों को अपनी एसओपी बनानी है कि भाई मेरा कोई फ्रेंचाइजी ले अलग अलग शहरों में तो मेरी एसओपी कैसे बने। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज प्रिपरेशन की। सबसे जरूरी तो फूड हो गया ना, तो फूड को तैयार कैसे करना है? तो तैयार करने की एक एसओपी होगी जिसमें कि लिखा जाएगा कितना आपको प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे कि कचौड़ी बनानी मैदे की बनती है, कितना उसमें मैदा लगेगा, फीलिंग लगानी है तो कौन से प्रोडक्ट की लगेगी, कितनी फीलिंग लगेगी, वो एक एक चीज सिखाएंगे। कितनी देर तक उसे प्री हीट करना है, कितनी देर तक उसे कुक करना है, क्या कलर उसका आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक जगह कचौड़ी खा रहे हैं तो काली आ रही है, एक जगह ब्राउन आ रही है, एक जगह व्हाइट आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक ही ब्रांड की आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद सब्जी की बात आएगी, तो सब्जी में कितना आलू यूज करें, कितना पानी, कितना मसाला, कितनी देर तक उसे कुक करें, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। ओके ओके, ये आपकी कुकिंग की एसओपी हो गई। कुकिंग के बाद आपको उसकी सर्विंग की एसओपी, सर्विंग का तरीका क्या हो, चटनी और आलू मिला के रख देने हैं या अलग अलग रखने हैं, कितनी कचौड़ी एक बार में आपको अपने काउंटर पे रखनी है, कितनी आपको पीछे ओवन में रखनी है, ये हर चीज सिखाएंगे। जब आपको सर्विंग करनी है, सर्विंग की एसओपी अलग होगी कि आपको कितना बड़ा बाउल चाहिए, उस बाउल में आपको कितनी कचौड़ी और कितना सब्जी और कितनी चटनी आपको डालनी है। पता, चटनी होती है थोड़ी सी तीखी, सब्जी कम तीखी होती है, अगर आपने ज्यादा चटनी डाल दी हो सकता है कि लोग खाए ना, तो उसमें पहले से पता होगा कि 200 ग्राम सब्जी और 10 ग्राम चटनी। Okay, किसी को तीखी चीज ज्यादा डलवा दो। okay. आपकी ड्रेसिंग एसओपी, आपकी प्राइसिंग एसओपी, आपकी किस तरीके से आप बिलिंग करेंगे, बिलिंग की एसओपी, हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। ओके okay. मतलब खाली बना के सामने वाले बंदे को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर चीज प्लेटर बनाकर उसे सर्व कर देना है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको ये थाली आपके सामने है, आपको जो पसंद आता है आप ले लीजिए, हर चीज आपके सामने रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है। क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी तभी लेगा ना। देखो okay. आप अगर कोई बिजनेस लेना चाहते हो, आपके पास समय नहीं है, आप हर टाइम बाहर रहते हो, तो आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जहां पर आपको हेडेक कम हो, एक ब्रांड हो ठीक ठाक सा, सेल्स आप रहो ना रहो सेल्स आ जाए, करे कुछ पैसे कमा लो, आप भी यही चाहोगे। बिल्कुल। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वही सारी दुनिया चाहती है। आशीष भाई, यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन है ऐसा, बिकॉज मैंने भी फूड इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा बोल सकते हो। मैंने ट्राई किया था खुद का एक फूड इंडस्ट्री में काम करना, मैंने सोचा था, लेकिन कुछ वजह से वो हो नहीं पाया। तो वहां पे मैंने कुछ दिक्कतें फेस की थी कि यहाँ पे हम लोग स्पेशली फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो शेफ होते हैं वो एक तो आपको मिलते नहीं है, और साला मिलते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है। तो वो सब अगर कैसे, वो सब चीजें कैसे मैनेज होती है फ्रेंचाइजी? किसी भी बिजनेस में जब आप मैन डिपेंडेंट बन जाते हो ना, वो बिजनेस फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप मेरे पे डिपेंडेंट हो गए तो मुझे लगता है ये बिजनेस कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, और अहम तो इंसान को खत्म कर देता है। और वही अगर सेफ डिपेंडेंट बिजनेस है पूरा पूरा, तो हो सकता है कि वो शेफ को कोई और आपसे ज्यादा प्राइसिंग पे तोड़ के ले जाए, 100%, और इंडस्ट्री में ऐसा चलता है।
तो आपको पहले क्या करना है कि अपनी डिपेंडेंसी उस शेफ से कम करनी है। एक मास्टर शेफ रखेंगे, दो तीन आप सेमी शेफ जो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आज जिनको बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती है, आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए, जॉब पोर्टल के जरिए आप जितना मर्जी रिक्रूटमेंट कर लो, एचआर एजेंसीज है वो आपको रिक्रूट करके दे देंगे। तो ये सब फ्रेंचाइजी वाले ही करते हैं? फ्रेंचाइजी वाले करके देते हैं सारा कुछ। ओके। सर देखिए, जब हम किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ये मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो मेरा बिजनेस मुझे स्टार्ट करके दें। दो मार्केट में देखिए सर बहुत गलत चीजें हो रही हैं, लोग फ्रेंचाइजी के नाम पे फ्रॉड भी कर रहे हैं कि भैया सिर्फ पैसा ले लिया, सर्विस नहीं देंगे। लेकिन जो जेन्युइन बिजनेसेस हैं, आप किसी भी बड़े ब्रांड की बात कर लीजिए, जब आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे ना, वो एक एक चीज आपको रेडी करके देंगे। Okay, हो सकता है कि मतलब आपका रिबन कटवाकर पहली बिलिंग तक की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी ओनर की होनी चाहिए। और मैं जिन भी ब्रांड के साथ डील करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं ना, जो मेरे पास लोग बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें अगर बिजनेस बहुत अच्छा आता होता तो वो आपके पास क्यों आते? करेक्ट, वो अपना खुद खोल के बैठ जाते। तो वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, वो आपको लोकेशन तो दे सकते हैं, वो आपके लिए मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिजनेस को स्टार्ट करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग अटकते हैं कि बॉस मुझे बिजनेस तो करना है या फिर मुझे कुछ तो स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे करना है, ये कैसे जो है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के सामने। हाँ। तो ये ऑलरेडी किसी ने फिगर आउट कर लिया है कि कैसे करना है, तो उसी का कैसे यूज करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइजिंग। ऐसा सबके साथ होता है, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो बातचीत होती है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि वो पहला दूसरा बिजनेस करते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है। Correct. और वो एक अच्छी खासी अमाउंट उसमें डुबो देते हैं, लॉस में चला जाता है। पता है जब कोई स्टार्टिंग एज में 25-26 साल का कोई लड़का है, 30 साल का कोई लड़का है, बिजनेस करना चाह रहा है, उसे शादी भी करनी है, उसे घर भी सेटल करना है, अपने आप को प्रूफ भी करना है, बहुत सारी ना मतलब कि दिमाग में बहुत सारे बर्डन्स भी होते हैं बिजनेस के अलावा। और उस समय उसने कोई बिजनेस किया बहुत बूस्ट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ, और वो साल 6 महीने का जो बिजनेस बंद होता है ना, वो बिजनेस नहीं बंद होता, उस इंसान का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, उस इंसान को आगे कुछ करने की जो एक जील होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ईयर्स में, जिस समय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ईयर है ना, उस समय आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, मार्केट में अपना नाम बना लो। अपना नाम बनाने के लिए अगर किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे तो ऑब्वियसली नाम तो उस फ्रेंचाइजी का बनेगा ना। तो सर कमा तो रहे हो ना, आप सीख तो रहे हो ना। राइट राइट। देखो बिना सीखे काम करना इज नॉट गुड। आपको लॉयर बनना है, ठीक है ना, आपको वकालत करनी है कोर्ट में जाकर, क्या करोगे, सीधा शुरू हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, किसी लॉयर के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो व्हाई डोंट बिजनेस में, हम प्रोफेशंस को तो बड़ी इज्जत देते हैं और बिजनेस से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं। द बिगेस्ट प्रोफेशन इज बिजनेस। बिजनेसमैन लोगों को घर चलाता है। जब आप नौकरी करते हो ना तो एक घर चला रहे होते हो, और जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कई लोगों का घर चला रहे होते हो। मतलब इसको अहंकार की तरह ना लें, ये हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी चाहिए, हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डॉक्टर बन गए, इलाज कर रहे हैं, यू आर गॉड। मैं नहीं कह रहा कि सारे प्रोफेशन अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप इंडिया के लिए, मतलब अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो। ओके। सो इसलिए बिजनेस ही, मतलब किसी भी देश की तरक्की होती है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से होती है, और बिजनेस किसी भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। टूरिज्म भी एक बिजनेस ही है, जो भारत सरकार इतने सारे स्पॉट्स बना रही है जहां पर आकर आप घूम सकते हो, देख सकते हो, वो बेसिकली इंडिया का बिजनेस है। तो बिजनेस से ही देश की तरक्की होगी, और इसी वजह से फ्रेंचाइजिंग हो, तो फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा काम है जहां पर आप पूरी इंडिया की बात करें। अच्छा, हम एक सिंपल सी बात करते हैं, आप पुणे में रहते हैं सर, पुणे का फेमस आपको क्या फूड लगता है? मतलब ऐसा कोई चीज जो आप जाते हो तो वहां पर खाने जरूर खाते हो, ऐसा कुछ जरूर होता है हर जगह? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक बर्गर मिलता है, बर्गर मिलता है, वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं जब भी जाता हूँ वहां पे एटलीस्ट खाता हूँ। अगली बार जब जाओगे ना उसे बोलना, भाई तेरा बर्गर बड़ा पसंद है मुझे, मैं चाहता हूँ कि तेरा बर्गर हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग खाएं। चाहोगे ऐसा करना? उसका जवाब क्या आएगा आप मुझे बताना। बिल्कुल। क्या कोई चाहता है कि मेरी तरक्की ना हो? ऐसा कोई इंसान मिला है जो बोलता है नहीं मुझे तरक्की नहीं चाहिए?
ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे भी लोग भी देखे हैं। हमारे यहाँ पे कयानी बेकरी करके एक नाम है, वो बेकरी बहुत सालों से वहीं पर है। उनका सिर्फ उनका यूएसपी ऐसा है कि वो शाम को आई गेस 5 बजे के बाद वो स्टार्ट होता है और 8 बजे तक ही वो चालू रखते हैं, और उसको लेने के लिए मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से लोग आते हैं और वो लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल। बट उनका ये सीन ये है कि उनका एक ही दुकान है वहां पे, उनके मल्टीपल दुकान नहीं है। अच्छा, आप बताओ कि उनकी मल्टीपल दुकान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, होनी लेकिन चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको नहीं करनी है। वो बेसिकली क्या है कि वो फियर है, फियर ऑफ शेयरिंग माय सक्सेस। मैं अपना फॉर्मूला नहीं देना चाहता। देखिए, कोई भी काम ना कोलैबोरेशन से, कोई भी काम क्या बोलेंगे हम, लॉ ऑफ गिविंग से होते हैं। जब तक आपके अंदर से गिविंग का वो चीजें नहीं आएंगी ना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। बिजनेसमैन का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। कई लोग बोलते नहीं ये मेरा फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं, यहां से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो रेसिपी है वो उनके साथ ही चली जाती है। सर, बट अगर ऐसा बोला जाए तो फिर कोका कोला का जो रेसिपी है वो तो आज तक किसी को नहीं पता, बट स्टिल इट इज अ बिग कंपनी। वही मैंने जब एग्जांपल दिया था आपको जेबी कचौड़ी का, मैंने कहा था मसाला पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कोका कोला अमेरिकन कंपनी है और इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, तो रेसिपी होगी तभी तो मैन्युफैक्चर होती है ना। उसका जो एक सीक्रेट सिरप है वो आज भी अमेरिका से आता है, सीक्रेट सिरप, और वो सीक्रेट सिरप फॉर्मूला इज सेव्ड इन अ सिस्टम। कल को भगवान ना करे जो उसके ऑनर हैं वो ना रहे, तो क्या आपको लगता है कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो फॉर्मूला खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने उस फॉर्मूला को अपने यूएसपी बनाया, लोगों को बिजनेस देना शुरू किया, अपना जो सीक्रेट है वो अपने पास रखा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि गुरु के पास एक ऐसा तो ब्रह्मास्त्र होना चाहिए ना, तो कोका कोला के पास वही ब्रह्मास्त्र है। और आप देखिए किस तरीके से गांव गांव तक, मतलब जहां पर आपको हो सकता है कि मोबाइल के टावर मिले ना मिले, कोका कोला मिल जाएगा। तो वो तभी होगा ना कि जब आप समझेंगे कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आज बहुत इजी हो गया है। आप आज पूरे वर्ल्ड के कहीं भी कोने में जाएं, जाना आना बहुत आसान हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया है। तो उन बिक्री वाले को समझाना है एक बार कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना लजीज है, मजा आ जाता है आपके प्रोडक्ट्स को यूज करके, लेकिन आप सिर्फ यहीं पर क्यों हैं? आशीष भाई, अभी तक हमने बात की कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे वर्कआउट होता है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल अपना बनाता है और उसको कैसे सेल करता है। बट आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस चलाते हैं और उनका बिजनेस बहुत ज्यादा फेमस है, लोग उनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट स्टिल वो उस प्रोडक्ट का या फिर उनके दुकान का वो फ्रेंचाइजी नहीं बनाना चाहते। आई एम 110% श्योर उसके पीछे कोई ना कोई एक डार्क साइड भी है जो कि कुछ गिने चुने ब्रांड्स करते हैं और उसका सब भुगतना बाकी सब ब्रांड्स को पड़ता है। तो वॉट आर दैट डार्क साइड? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आप एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं, आपकी मोनोपोली हो गई है मार्केट में, लोग पता है कि आपका अगर बिजनेस ओपन होगा तो आप ही के पास आएंगे। पिज्जा खाने आप किसी स्पेसिफिक आउटलेट पे जाओगे, बर्गर खाने आप स्पेसिफिक आउटलेट पे जाओगे, आप चिकन खाने स्पेसिफिक आउटलेट पे जाओगे, नॉर्थ इंडियन खाने के लिए आप स्पेसिफिक आउटलेट पे जाओगे। इन्हें पता है कि वी आर द किंग ऑफ द मार्केट। तो अब वहां पर वो अपने हिसाब से फ्रेंचाइज मॉडल बनाते हैं और डायरेक्ट फ्रेंचाइजी देते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टमेंट मॉडल बना दिया है। किस तरीके से, 2-3 अलग अलग मॉडल हैं फ्रेंचाइजिंग के। इसमें से एक है कोको मॉडल, कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें कि कंपनी खुद ही सारा सिस्टम चलाती है, वहां पर फ्रेंचाइजी की कोई बात ही नहीं है। दूसरा जो मॉडल है फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर कि फ्रेंचाइजी ऑन से मतलब कि इन्वेस्टर का पैसा लगा है, इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी लगी है, लेकिन चला कौन रहा है, कंपनी चला रही है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, ये इसी तरीके से अपना पूरा बिजनेस रन करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लगा दो, चलाएंगे हम, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बदले एक सर्टेन परसेंटेज मिलता रहेगा। जैसे कि पूरे महीने में 50 लाख की सेल आ गई तो 50 लाख का 7%, 5%, 6% डिपेंडिंग ऑन देयर क्राइटेरिया, उनके फाइनेंशियल्स क्या होंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 6% मिल रहा है तो आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें से आपको रेंट भी पे करना है प्रॉपर्टी का, इसमें से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी पे करना है और अपना प्रॉफिट भी इंजॉय करना है। आप इन बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बावजूद, उस प्रॉपर आउटलेट के ओनर होने के बावजूद भी, जब कभी उस आउटलेट पर कुछ परचेज करने जाओगे या कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने जाओगे, यू हैव टू परचेज एंड पे। ये है फोको मॉडल।
जहां पर कि आपका इन्वेस्टमेंट है लेकिन आप ऑनर नहीं हो, ऑपरेशन सारी कंपनी चला रही है, और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप किसी भी इंडस्ट्री में बात कर लें, मतलब बर्गर वाले हो गए, चिकन वाले हो गए, बर्गर की, चिकन की, पिज्जा की, नॉर्थ इंडियन फूड की, हर इंडस्ट्री में तो कोई ना कोई तोप है ना, तो वो बेसिकली अपनी चलाती हैं, वो बोलते हैं कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे होगा काम, क्योंकि और इसके पीछे रीजन भी क्या है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करेंगे तो दिक्कत क्या है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी रेसिपी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, आपका जो वे ऑफ सर्विंग है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अब उन्हें पता है कि अब हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आज अमूल को दूध बेचने की जरूरत नहीं है, वो किंग है दूध के लिए, तो उसे बस क्या करना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, सप्लाई चेन को मेंटेन करना है, दैट्स इट। जब तक वो चलता रहेगा, ब्रांड चलता रहेगा, तो ये एक इशू है फ्रेंचाइजिंग में। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पार्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा ऑपरेशन पार्ट कम हो जाता है, लोगों को पसंद भी आता है कई बार। क्यों पसंद आता है? जिनके पास बहुत पैसा है, कैमरा पे बोलना नहीं चाहिए, जिनके पास ब्लैक मनी भी है। अब मेरे पास बहुत पैसा है भाई, अब मुझे कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जहां मुझे काम ही ना करना पड़े। ले जा भाई, 2 करोड़ ले जा, 5 करोड़ ले जा, 10 करोड़ ले जा, अब क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो और प्रॉफिट एंजॉय, और प्रॉफिट एंजॉय करो। प्रॉफिट कम भी आया तो क्या फर्क पड़ता है, आपका पक्के में प्रॉफिट आ रहा है। सो एवरी बिजनेस हैव द डार्क साइड और एवरीबॉडी नोज इट, दिस इज वेल नोन, तो सब लोग जानते हैं इन चीजों को और काम कर रहे हैं। और जो थर्ड मॉडल मैंने आपको कोको मॉडल बताया, फोको मॉडल बताया, द थर्ड अवेन इज फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। और पूरी फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री जो है 95% ऐसे ही मॉडल पे काम कर, मतलब जो जो छोटे ब्रांड्स हैं जो कि अभी ग्रो हो रहे हैं, नॉट द बिग ब्रांड जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, या सब करते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस भी करते हैं। आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की भी फ्रेंचाइजीज मिलती है फोफो मॉडल के ऊपर, बहुत सारे। आपको अगर मैं बात करूँ कि बड़े बड़े आउटलेट्स आपको फूड कोर्ट में फ्रेंचाइज दे देते हैं कि आप ही रन करो, आप ही चीजें करो, आपको SOP के साथ दे देंगे। आशीष भाई, हमारे यहाँ पे आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ करना है, उनको सही में वो जिद है कि बॉस मेरे को कुछ ना कुछ करना है, तो उनके लिए आपके साइड से क्या सजेशन रहेगा, क्या एक सबक रहेगा, ये सब चीजें उनको करनी चाहिए? बिल्कुल मंगेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सब लोग आपका पॉडकास्ट देखना शुरू करें, मल्टीपल नॉलेज उन्हें यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने भी जो अपनी सक्सेस हासिल की है जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग, सीखना बन तो जीतना बन, तो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसे फॉलो करें। दूसरा देखिए, अगर आप यंग एज में कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले उस बिजनेस की बारीकियों को समझें। अगर आपके पास उतना समय है कि आप कहीं पर नौकरी कर सके, जैसे कि अगर आपको कोई फास्ट फूड का बिजनेस करना है तो किसी अच्छे फास्ट फूड आउटलेट पर जाकर साल भर नौकरी कर लें, आपको उस बिजनेस की चीजें समझ में आ जाएंगी। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लें। अगर इतना समय नहीं है तो इसका एक बहुत अच्छा सा अल्टरनेटिव है, किसी अच्छे से ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो, वो ब्रांड आपको सब कुछ समझा देगा। और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जिन्हें अपना ब्रांड ओपन करना है, पहले 3-4 साल किसी दूसरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, अपनी मार्केट साइड बाय साइड एस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद अपना ब्रांड शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और इज्जत कमाने के लिए करते हैं। आप सिर्फ पैसे के पीछे मत जाइए, सिर्फ इज्जत के पैसे मत जाइए, आपको दोनों चीजें चाहिए, नेम एंड फेम। सिर्फ फेम का क्या करोगे भाई जब पैसा ही नहीं है तो? राइट। और सिर्फ पैसा का क्या करोगे जब लोग आपकी इज्जत नहीं करते? जब आप अच्छी क्वालिटी अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ लोगों को देंगे, आपके पास इनकम भी आएगी और लोग भी आपको जानेंगे। तो आप जो भी काम करें शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, एक सिस्टम को फॉलो करके करें, और सही में सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप कितनी डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हैं यही डिसाइड करता है कि आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द नॉलेज, ऑल द सीक्रेट्स एंड डार्क साइड स्पेशली विद आवर ऑडियंस। तो दोस्तों, अगर आपको भी और कोई डिटेल्स आपको जाननी है या फिर आपके कोई डाउट्स है, तो मैं सर के इंस्टा हैंडल्स वगैरह नीचे दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके उनको फॉलो करो और उनसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।